अगर दोस्तों SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में आप भी खाता खुलवाए होंगे तो दोस्तों आप जब पैसा भारतीय स्टेट बैंक में पैसा निकालने के लिए जाते होंगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का पर्ची देखने को मिलता होगा कि इसे आपको भरना रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक ऑफिशियल के टाइप में इसे भर सकते हो, यानी कि इस फॉर्म को कैसे आप एक ऑफिशियल के टाइप में भर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि कैसे आप ऑफिशियल के टाइप में इसे भर सकते हो कि कोई बैंक अधिकारी भी आपका देखे तो कहे कि आपका फॉर्म जो भरा हुआ है कोई ऑफिशियल बंदा भरा हुआ है। यानी कि दोस्तों आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो को आप अगर वॉच कर लेते हो तो किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कैसे आप इसे भर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर में अपना नाम लिख देना है, जो भी आपके पासबुक में नाम होगा उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका शाखा जहाँ भी होगा उसको यहाँ पर आपको अपने शाखा लिख देना है। जिस तरीके से मैंने अपने शाखा का नाम गोरखपुर लिखा है, इस तरीके से आप भी अपने शाखा का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट लिख देना है, डेट जिस भी दिन को आप अपने बैंक में पैसे निकालने के लिए गए हैं उसी डेट को आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों जितना भी रुपए आप निकालना चाहते हो उसे आपको यहाँ पर शब्दों में लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप मात्र जरूर लिख के इस तरीके से डॉट करके यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच दीजिएगा, जिसके कारण ये पता चलता है कि इसके आगे कोई अंक या कोई शब्द नहीं है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं निकालना है। अगर कोई बढ़ाना भी चाहे दोस्तों आपका बैंक अधिकारी यहाँ पर लिख के बढ़ा भी सकता है, लेकिन इतना लिखने के बाद दोस्तों आपका बैंक अधिकारी भी नहीं बढ़ा सकता, यानी कि दोस्तों आपका कोई मिस्टेक नहीं हो सकता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने अंकों में लिख देना है, यानी कि जितना पैसा आप निकाल रहे हो उसे अंकों में यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हूँ, इस तरीके से आप भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक साइन कर देना है, यानी कि सिग्नेचर कर देना है, जिस तरीके से मैंने अपना सिग्नेचर यहाँ पर किया हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप अंग्रेजी में करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अंग्रेजी में भी कर सकते हो। अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हिंदी में जिस तरीके से मैंने किया है उसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बैक में इसके फॉर्म के बैक में आपको दो साइन कर देना रहता है। उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म भर के कंप्लीट हो गया, यानी कि आपका फॉर्म भर के कंप्लीट हो गया है। अब आप ले जाकर बैंक अधिकारी को पासबुक के साथ इसे दे सकते हो। दोस्तों ये रही जानकारी, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।